करीब 6 महीने बाद यानी अगले बरस 2022 में असेंबली चुनाव होने थे। इस लिहाज से चुनावी साल मनाते हुए योगी सरकार ने जनता के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। जनता को लुभाने के लिए उनके द्वारा नई नई रोजाना सौगातें दी जा रही हैं। पहले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अब नए बुजुर्गों को बुढ़ापे की लाठी यानी पेंशन देने की बात की जा रही है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए योगी सरकार इस साल 5 लाख नए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देगी। अभी तक इस योजना में 51.26 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। 5 लाख नए बुजुर्गों को जोड़ने के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना में इनकी संख्या बढ़कर 56 लाख पहुंच जाएगी। इसके लिए सरकार ने 56 लाख बुजुर्गों को इस योजना में पेंशन देने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के जीविकोपार्जन के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रखी है। इस योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के गरीब बुजुर्गों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देनी है। वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने से पहले 36 लाख बुजुर्गों को यह पेंशन दी जाती थी। बाद में सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा बढ़ाया और पिछले वित्तीय बरस मार्च में सर्वाधिक 51.21 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी गई। अब योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में विस्तार कर 5 लाख और नए बुजुर्गों को उसमें शामिल करेगी। ऐसे में इस साल सरकार उत्तर प्रदेश में 56 लाख बुजुर्गों को पेंशन देने की तैयारी में है। इस योजना में समाज कल्याण विभाग ने नए लाभार्थियों को चयनित कर लिया है। समाज कल्याण के निदेशक राकेश कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार वृद्धावस्था पेंशन योजना में 56 लाख बुजुर्गों को पेंशन देने की तैयारी की गई है। नए लाभार्थियों को पेंशन योजना का स्वीकृत प्रमाण पत्र सौंपने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से समय मांगा गया है। अनुमति मिलते ही नए लाभार्थियों को योजना में स्वीकृत प्रमाण सौंप कर संबंधित के खातों में पेंशन दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया।